नमस्कार, आप देख रहे हैं 12 राशि का राशिफल। मैं हूं आपके साथ खुशी, आपकी शुभ चिंतक, जो आपके दिनचर्या और होने वाले शुभ और अशुभ संकेतों से आपको रूबरू कराएगी। आज का दिन बेहद खास है, इसी पर मैं आपको बताऊंगी कैसे आप सितारे चमका सेहत संकेत और सोच कैसे बिगाड़ सकता है केतु। अगर केतु से बचना है जरूर देखिए 12 राशि का राशिफल, आपके ग्रह कैसे बदल सकते हैं और कैसे आप आपके सितारे चमका सकते हैं, यह पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। तो पहली बात शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष, आज का दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। जो लोग राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। आज राजनीति में कोई नवीन पद आपको प्राप्त हो सकता है, आपको बस थोड़ा सा संभल कर ही खर्च करना चाहिए। वृषभ, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिजनेस करके जो भी जातक है, वह व्यापार में मनचाहा लाभ पाकर काफी खुश नजर आएंगे, नए लोगों से संपर्क बनाएंगे। बिजनेस में विशेष सफलता का दिन है। आज ऑफिस में आप अपनी गलतियां स्वीकार करें, आगे से अपने कार्यों को स्वयं पूरा करें, किसी पर भी ना छोड़ें। वृषभ, यह महीना आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। इस महीने में आप कोई जमीन या कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई समस्या नहीं आएगी। कर्क राशि के जातकों का महीना की शुरुआत भी अपने गृहस्थ जीवन को संभालना होगा, क्योंकि जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है, आप खर्चों को भंवर जाल में फंस सकते हैं और इसी कारण इनकम का पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहेगा। महीने की शुरुआत में ही अच्छी इनकम देखने को मिल सकती है। आपके करियर में अधिकतर क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और नए पावर मिल सकती है और नई टीम संभालने के भी मिल सकता है। यह समय करियर के लिए बहुत बढ़िया है। कन्या राशि के लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत में अपने करियर पर ध्यान देना होगा। परिवार के साथ साथ अपने करियर पर भी ध्यान देने का समय यह मायने रखता है, क्योंकि ऐसा न करने में आपका काम भी बिगड़ सकता है। व्यापार के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, आप कुछ महत्वपूर्ण लोगों से भी जुड़कर अपने काम को सफल बनाएंगे। तुला, आपके लिए इस महीने की शुरुआत में करियर के लिए बहुत कुछ अच्छे समय आ सकते हैं। आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस समय नौकरी बदलने के लिए आप चले जाइए। नई नौकरी मिलने से आपका स्वभाव भी बढ़िया हो सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा, लोगों के बीच ईगो का टकराव हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों का लिए इस महीने की शुरुआत ही फिजूल चिंता से परेशानी होगी। इससे सेहत में भी गिरावट आ सकती है, किसी से कर्जा लेना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। करियर में अच्छा समय है। धनु, इस महीने आप एक अच्छे कुशल व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं और उसमें कामयाब रहेंगे। आपका व्यापार अच्छी उन्नति करेगा और बिजनेस डीलिंग के लिए यह बहुत ही मौका आपके हाथ में आ सकता है। मकर राशि के लिए यह इस महीने की शुरुआत में कुछ तनाव रह सकता है, किसी की कहा सुनी या परेशानी भी हो सकती है, लेकिन अपने व्यापार और व्यवहार के लिए अपना दिमाग को ध्यान में रखें तो इन चीजों की वजह से आप खुद भी खुश रह सकते हैं। इसलिए इनसे बचने की कोशिश करें और सबसे अच्छा बर्ताव करें। कुंभ, आपके लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहेगा। महीने की शुरुआत में 2 सप्ताह में ज्यादा खर्च हो सकता है, लेकिन अंतिम सप्ताह में इनकम बढ़ेगी और खर्च में कमी भी आ सकती है, जो आपके आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी होगी। मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना शुरुआत भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, आपको परेशानी कर सकती है। इस महीने में आपकी शुरुआत में 2 सप्ताहों में अच्छी इनकम से आपके खिले खिले आप नजर आएंगे और इसके बाद खर्चों का बढ़ने से आपके चेहरे पर साफ साफ तनाव दिखाई देगा। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कैसे आप आपका सही करियर चुने, किस क्षेत्र में अपनी किस्मत चमकाएं। इसी बीच हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए अपने खास पेशकश 12 राशियों का राशिफल। नमस्कार।